5 दिन तक चलने वाले राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ कांगड़ा चंबा के सांसद शांता कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। उन्होंने शिवरात्रि के पावन अवसर पर लोगों को बधाई देते हुए कहा कि भारतवर्ष में सदियों से ही अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सजोए रखा है। विश्व में सबसे पुराना देश भारतवर्ष है। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन का आधार हमारी संस्कृति है, लेकिन आज देश में महिला उत्पीड़न बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ गई हैं। इससे हमारा प्रदेश भी अछूता नहीं है। उन्होंने कहा कि इस पर्व से सभी लोगों को अच्छे संदेश देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए नई नीति लाई गई है, जिससे हिमाचल में निवेश के लिए बाहरी राज्यों के लोग आएंगे। उनका कहना है कि पर्यटन ही एक ऐसा व्यवसाय है जिससे जल्द से जल्द प्रदेश का विकास होगा तथा इससे रोजगार की भी अपार संभावनाएं बढ़ेंगी तथा लोगों को इसे रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे, जिसके लिए प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में बढ़िया काम कर रही है। इससे पूर्व विधायक मुल्कराज प्रेमी की अगुवाई में मेला कमेटी अध्यक्ष एवं एसडीएम बैजनाथ रामेश्वर दास द्वारा लोगों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और पगड़ी भेंट कर रस्म अदा की गई। राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि की अगुवाई में शोभा यात्रा बैजनाथ विश्राम गृह से शुरू होकर विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर बैजनाथ तक निकाली गई, जहां पूजा अर्चना के पश्चात शोभा यात्रा इंदिरा गांधी स्टेडियम तक निकाली गई, जिसमें विधायक मूर्खराज प्रेमी सहित सरकारी व गैर सरकारी सैकड़ों गणमान्य लोग मौजूद रहे। विधायक मुल्कराज प्रेमी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि इस इलाके को और विकास किया जाए। बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद से क्षेत्र की पर्यटन की दृष्टि से निखारने के सहयोग की मांग की। इस दौरान जनसंपर्क विभाग तथा स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। महाशिवरात्रि महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ बैजनाथ में मनाया जा रहा है और इस फूलों से मंदिर को सजाया गया है, लाइटों और लड़ियों से भी इसको पूरी तरह से सजाया गया है। और इस बार हमने एक नई व्यवस्था की है कि ताकि सड़कों पे लाइन ना लगे, इसलिए पार्क में लोगों की लाइन लगाई हुई है ताकि सारा जो श्रद्धालुगण है वो बड़ी श्रद्धा के साथ और बड़ी शांति के साथ दर्शन कर सकें। रसों से अभिषेक होता है, भगवान का श्रृंगार होता है, उसके बाद आरती होती है, उसमें एक छड़ लेकर चलता है और साथ में वो भगवान की दुगडुगी बजाने वाला होता है, एक साथ में वो नगाड़े बाजे वाले होते हैं और वो आरती होती है। सारी भगवान की परिक्रमा होती है मंदिर की, जितने भी देवी देवता हैं सब की आरती होती है। 8 बजे ऐसे होता है, 10 बजे भी ऐसे होता है, 12 बजे भी ऐसे होता है और 4 बजे सो अभी ऐसे ही। आज जो हम मंदिर में आए हैं तो काफ़ी अरेंज लग रहा है, क्योंकि पहले तो हमें सड़कों में या फिर उस साइड से ग्रीन चौक पे लगना पड़ रहा था, पर इस बार उन्होंने अरेंजमेंट जो है हमारा मंदिर के अंदर ही करवा दिया हुआ है और काफ़ी अरेंज लग रहे हैं क्योंकि सारे लाइन्स में लगे हुए हैं, कोई भी धक्का मुक्की या कुछ भी नहीं है। बात तो बहुत ही अच्छी है, हम हर साल आते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अभी जो व्यवस्था की गई है काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है उसमें, ठीक है। क्या फ़र्क लगता है आपको? फर्क है कि लाइनिंग वगैरह का अच्छा है और ऐसे ही चलता रहेगा तो सभी दर्शन कर सकते हैं। विकास की कोशिश कर रहे हैं और सब कुछ पर्यटन हिमाचल प्रदेश का नक्शा बदल सकता है। स्विट्जरलैंड से कुछ भी कम हिमाचल में नहीं है, ज्यादा है। दुनिया के पर्यटन के मानचित्र पर हिमाचल आ सकता है। सबसे तेजी से दुनिया में अगर कोई उद्योग बढ़ रहा है, पर्यटन बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई देता है तो पर्यटन देता है। और मैं वही बहुत धन्यवाद करूंगा श्री जयराम ठाकुर जी का, मुख्यमंत्री बनते ही उनको मैंने ये बात कही और मैंने कहा हिमाचल की पर्यटन की नीति ठीक नहीं है, आपके अधिकारी मुझे बुलाने बैठे, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। दुनिया भर के निवेशक इन्वेस्टर हिमाचल प्रदेश में आएंगे, पर्यटन आगे बढ़ेगा। जिस प्रकार से देश प्रदेश प्रगति कर रहा है, आज भगवान शिव से भी हम प्रार्थना करते हैं
हम सबको और शक्ति दे, सत्व दीजिए।